इंद्री के गांव सातड़ी में जहारवीर गोगा पीर के मेले का आयोजन किया गया। मेले में गांव के सभी वर्ग और जाति के लोगों ने एक साथ मिलकर झंडा चढ़ाया और प्रसाद बांटा। गांव के लोगों के द्वारा हर वर्ष एक साथ मिलकर झंडा चढ़ाने और प्रसाद बांटने की इस परंपरा से गांव में एकता का उदाहरण पेश हो रहा है। गांव में सभी बिरादरी के लोग सबसे पहले अपने घर में छड़ी रूपी झंडे की पूजा अर्चना करते हैं तथा उसके बाद इस झंडे को ग्राम देवता पर चढ़ाया जाता है। गांव के लोगों में जहारवीर गोगा मेडिक के स्थान के प्रति अटूट श्रद्धा है, इसलिए इस गांव के लोगों के साथ साथ गांव के लोगों के परिवारजन भी हर वर्ष मेडी के मेले पर श्रद्धापूर्ण आते हैं तथा अपने श्रद्धा भाव से झंडा और प्रसाद चढ़ाते हैं। यहाँ की जो कोई बीमार हो वो भी ठीक हो जा, दूर दूर तक यहाँ सांप का काटा वो भी ठीक होगा, इनके माथा देखने से ठीक हो जा। माड़ी का जगह जी जहांगीर बाबा का गुग्गा माड़ी का सात भर जा जी, ऐसे सारे इकट्ठे हुए कथियाँ यहाँ कोई केला केला रहा सारे इकट्ठियाँ जी। और हमारे गांव में ये गुग्गा पीर की जो माड़ी है ना, ये बहुत ही पुराना ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पे हर मन्नत मतलब पूरी होती है और है ना, यहाँ पे सभी जितने भी लोग हैं सभी इकट्ठे लोग मारते हैं और ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर हमारे गांव के अंदर किसी को सांप काट लेता है ना, तो उसको बिल्कुल भी जहर नहीं चढ़ता, वो यहाँ पे आके एक बार मत्था टेकता है ना तो उसको बिल्कुल ही सेफ रहता है वो। इसलिए हमारा जो ये पीर है ना जी, बहुत आस्था का प्रतीक है और यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पे लोग मन्नतें मांगते हैं, धागा बांधते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं और वो छड़ी भी चढ़ाते हैं। यहाँ पे छड़ी को भी पहले है ना यहाँ से लेके जाते हैं, उसको स्नान कराते हैं, फिर उसको कपड़े डालते हैं, फिर उसको खेड़े पे लेके जाते हैं, फिर वहाँ से यहाँ लेके आना होता है उन्हें। तो इतनी बड़ी हमारी आस्था ये बहुत पुराने समय से चली आ रही है। ये हमारे गांव में नवमी के दिन ये मेला लगता है और इसमें बाहर से बहुत दूर दूर से मतलब जो अपनी मन्नत मांगते हैं वो बहुत दूर दूर से यहाँ निशान चढ़ाने के लिए आते हैं इस दिन। और सभी गांव के लोग जो है यहाँ मतलब मिलजुल कर इकट्ठे एक ही उस मतलब कोई अच्छा माहौल बना के पूरा निशान और यहाँ चढ़ाए जाते हैं। और यहाँ बहुत पुरानी परंपरा है हमारे गांव की, वर्षों से चलती आ रही है और सारे गांव के इकट्ठे होकर एक ही सभी जातियों के चाहे कोई किसी भी बिरादरी का है वो सब एक ही उस पर आके सहयोग करते हैं और पूरे इस मेले में अच्छी तरह भाग लेते हैं। तो ऐसे हैं यहाँ पर जी, ना तो किसी आज तक गाँव के अंदर अगर किसी का सांप भी काट गया ना, आज तक वो कोई ऐसी अनहोनी नहीं हुई उसके साथ। अगर किसी का काट भी जाता है तो यहाँ पर प्रसाद बोला जाता है तो उस पर चढ़ाया करके आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई गाँव में। मेरे गाँव में जो ये गुग्गा माड़ी है इसमें लोगों की इतनी आस्था है कि यहाँ पर किसी का भी कोई बच्चा होता है या किसी का शादी ब्याह होता है वो झंडा चढ़ाता है यहाँ पर और उसकी मनोकामना जो है पूरी होती है। एक साल में यहाँ मन्नत मानते हैं लोग और अगले साल वो मन्नत पूरी हो जाती है जिससे वो झंडा चढ़ाता है। फिर प्रत्येक घर से यहाँ झंडा चढ़ता है हर साल। और जो यहाँ हमारा गुग्गा माड़ी की मान्यता है, विशेष मान्यता यह है कि मेरे गाँव में कितना भी किसी का जहरीला सांप काट गया वो आज तक किसी को कोई जहर नहीं चढ़ा, इसकी जो मान्यता है ये सबसे बड़ी विशेष मान्यता है। और सबसे बड़ी मान्यता ये है कि मेरा गांव जो है ना, सभी के गांववासी एक होकर एका का प्रतीक है। सारे गांव एक ही साथ पहले 10 बजे चूरी चढ़ाता है, उसके बाद निशान लेके आते हैं जिसको हम झंडा बोलते हैं, और पूरा का पूरा गांव एक साथ पहले नगर खेड़े पे गांव घर घर से इकट्ठा करता है, उसके बाद जो है यहाँ पर लेके आते हैं, सारा गांव एक साथ आते हैं। हमारे बुजुर्गों के टाइम से भी पहले की परंपरा है और ऐसी चलती आ रही है, हर साल ऐसे ही मनाया जाता है हर उल्लास के साथ। और उसके बाद दंगल भी होता है, कुश्तियाँ भी होती है यहाँ पर। आज न्यूज के लिए इंद्री से ब्यूरो रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।